अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ इंजीनियर अब्दुल बासित एंड आई एम मार्केटिंग मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। टुडे वी हैव आवर गेस्ट स्पीकर मिस शाजी हबीब। शी इज डूइंग एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड शी इज आल्सो अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफिसर एट रेड की रिसर्च पाकिस्तान। सो टुडे शी विल बी गाइडिंग अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द patterns of climate induced displacement in Pakistan. So without any further to delay, over to you, ma'am. Thank you so much for having me. Assalamu alaikum everyone. This is Shazia Habib and I am doing my MPhil from National Defense University. I hope ki ab meri awaaz aur meri tasveer dono nazar aa rahi hai saron ko. Yes ma'am, nazar aa rahi hai. Okay, good. So earlier के मैंने बताया कि मैं जो हूँ परसू कर रही हूँ अपना एम फिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रियर टू दैट मेरा एक्सपीरियंस है रिसर्च के अंदर। आई हैव रिटन ऑन इन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स। देन मेरा फोकस शिफ्ट हुआ फॉर ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर। तो इससे पहले आई वॉज एट पाकिस्तान रिलीफ एंड नाउ आई एम I am at Pakistan Red Crescent as project officer और basically migration और displacement के unit को देख रही हूँ वहां पर। अब migration और displacement जो है वो एक ऐसा phenomena है जो currently हर कोई इसके ऊपर बात करे, लेकिन climate की वजह से migration और displacement जो एक ऐसा issue है जो third world countries especially पाकिस्तान जो है वो उसको ज्यादा फेस कर रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग सिंध से होंगे एंड यू गाइस कैन स्पीक ओपनली अबाउट इट। बहुत सारे लोग होंगे, उनकी अपनी अपनी टेल्स होंगी। तो लास्ट ईयर 2022 के अंदर जो फ्लड्स आए, तो 70% ऑफ द एरिया विच वॉज हिट वॉज सिंध। सिंध के अंदर जो तबाहियां थी दैट वॉज वेरी एट अ मैसिव लेवल। तो आज आई चोज द टॉपिक कि हम डिस्कस करें कि हमारे जो अपने पैटर्न्स हैं, हमारे रहने के पैटर्न्स हैं और ओवरऑल रीजन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं उसकी वजह से हमारी बेसिकली कौन लोग सफर करें। इट इज नॉट वी, इट इज द पीपल जो उस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं वो सफर कर रहे हैं। तो हम लोगों को उन कम्युनिटीज को सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की तरफ लेकर जाना है ताकि जो कम्युनिटीज हैं जो हिट हो रही हैं उनको हम कोई एक ऐसा मतलब उनको हम लोग कोई प्रोएक्टिव बनाएं जिसकी वजह से वो आगे आने वाले ऐसे तमाम हालात से खुद निपट सकें। सो आप लोगों में से कोई है सिंध से? इफ यू वांट टू टेल अबाउट सिंध से या साउथ पंजाब से या केपी से, अगर आप लोगों ने अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है रिगार्डिंग फ्लड, क्योंकि आई नो के ये एरिया सबसे ज्यादा हिट हुआ था, सो यू कैन ओपनली शेयर विद मी और आपके माइक्स जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। इज देयर एनीवन? नो, तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यस मैम, मैं कुछ शेयर करूंगा। मैं खुद ओके नॉर्थ सिंध से हूँ और पंजाब के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है कश्मीर। तो हमारे यहाँ जो है वो फ्लड्स आई हैं 2010 में। जो फ्लड थी वो कंदकोट सिटी में आई थी और वो मतलब कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में थी। उसके बाद 2011 में जो बारिशें हुई थी तो तकरीबन मतलब पूरी ज़मीनें और जो भी फसल थी वो सारे जो है अंडर वाटर हो गए थे और हमारे सिर्फ हाउसेस थे वो जो ऊपर वाली जगह पर थे वही बच गए थे। बाकी तकरीबन हमारा सारा एरिया और जो कच्चे वाले रोड थे वो सारे डूब गए थे और सिर्फ जो मेन लिंक रोड था सिटी वाला वही बच गया था। और उसके बाद मतलब एनिमल्स ने ह्यूमंस ने सब ने सफ़र किया और थोड़ी बीमारियां भी हो गई थी लोगों में। और फिश जो है मतलब मछली बहुत ज़्यादा मकदार में हो गई थी वो लोगों ने खाई, उससे कुछ लोग बीमार हुए थे। और फिर अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले भी सेम ही मतलब 2022 में जो फ्लड आई थी तो मतलब उसमें फसल का ज़्यादा नुकसान हो रहा था और लोग भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और जिन लोगों के पक्के घर थे अपने गांव में रह रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग कच्चे घरों में थे तो उनके लिए ज्यादा मसला था, वो रोड साइड पर आकर साइड में बैठ जाते थे। तो अब्दुल बासित आप मुझे ये बताएं कि देखिए फ्लड्स आ गए,
उस वक्त तो सारे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब कोई भी डिजास्टर आता है. तो अभी बताएं, अभी क्या हालात हैं? इज देयर एनी वन वर्किंग देयर अभी भी? तो क्योंकि फ्लड्स के बाद जो तबाहकारियां होती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी लाइक लेजिट ना, उनको भी देखना जरूरी होता है. क्योंकि जब फ्लड आ गया, देयर आर टन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कम अप. अब क्या हालात हैं? अब तो मैम कुछ नहीं है। उस टाइम जो है मतलब यूनिसेफ नहीं, आई थिंक WHO की तरफ से मतलब फूड वगैरह आया था, राशन वगैरह आया था उस टाइम, और बाकी लोकली बंदों ने अपनी मदद आप खुद ही मतलब बंद को कट लगाया, पानी को उधर ट्रांसमिट किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तरफ से कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और फिर लोगों ने अपने आप में मतलब नॉर्मल लाइफ पे आ गए। ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं हम कहें कि ऑफिशियल्स की तरफ से। ऐसे ही है, ऐसे ही है. सो थैंक यू सो मच अब्दुल बासित, आपने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया. तो आई गेस आई हैव सेट द टोन राइट. अब आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. तो कैन वी प्ले अ वीडियो? यस मैम। ओके, लेट मी सी के अगर हम लोग वीडियो प्ले कर पाएंगे. मिस्टर सफदर विद अस मैम, वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके, ऐड करवाएं, जरूर जरूर जरूर. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम मैम। सलाम. जब ये 2022 जो फ्लड ये बारिश हुई थी और पूरा सिंध ऑलमोस्ट बारिश के जद में आ गया था और बहुत सारे नुकसान होते, यहाँ पे हमारे पास भी, मैं सक्कर साइड से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मेरे गांव में टाउन है, वहां पे कच्चे घर तो मकाना तो गिर गए थे, लेकिन जो पक्की जगहें वो बनी हुई थी उनको भी बहुत डैमेज हुई थी। इवन मेरा खुद का घर जो है वो डैमेज हुआ था, लेकिन अभी तक 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट, सिर्फ बातें हो रही हैं। अगर यहाँ पे 200 घर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो 5 या 10 बंदों को, जो भी उनके मखसूस लोग हैं उनको ही मिले हैं, बाकी बाकी जो जो लोग रह गए हैं, गरीब बच्चे जिनके, गरीब लोग जिनकी पहुंच नहीं है सियासी, तो वो खुद अपनी मेहनत अपनी मदद खुद करके वो अपने छोटे छोटे घर या एक एक कमरा बना के वहां रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के हालात अमूमन अक्सर कोई भी ऐसा कोई इशू होता है तो सिंध तो हमेशा पीछे ही रहती है। नाम बड़े होते हैं जी लेकिन यहाँ पे गरीब को कुछ नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है. हमारा जी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूँ अपने इलाके में, तो इनके मुझे बहुत सारा पता है अपने एरिया के बारे में। तो इवन अभी भी मैं आज भी एक गांव में गया था तो वहाँ के लोग वही दुहाई दे रहे थे कि भाई अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं, लेकिन हम खुले आसमानों तले अभी भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक हादसा हो जाता है ना, हादसे के दौरान बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन हादसे के बाद क्या होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. दैट इज समथिंग जिसके जिसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर पा रहे. तो मिस्टर आई जस्ट उसामा वॉन्ट टू मैम, कन्वे दिस. मिस्टर उसामा जी 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 जी, उसामा ओके असल. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम. मैं हूँ खैरपुर सिटी से और जी डिस्ट्रिक्ट जी खैरपुर सिंध। सो वहाँ पे क्या ओके होता क्या हुआ था, जो गांव थे वहाँ पे जो फ्लड आया था तो जो कच्चे घर थे वो तो गिर गए थे, मगर खैरपुर सिटी की एक खुशकिस्मती थी कि खैरपुर सिटी से जो दो दरिया गुजरते हैं, एक सिटी के बीच से और एक साइड से, तो उसी की ओके वजह से जो ना खैरपुर सिटी की जो ना बचत हो गई थी। वरना फ्लड्स तो बहुत पानी था फ्लड के दौरान, और लेकिन घर तो डूब ही गए थे, मगर वो दरिया जो नहरें बह रही थी दो, तो उसी वजह से सिटी खैरपुर की बचत हो गई थी। ऐसा ही है. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया. इसका मकसद ये था बेसिकली कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमें नहीं पता, हम इस्लामाबाद में हैं, हम पेशावर में हैं, हम केपी में, हमें इन चीजों का आइडिया नहीं है. जो बंदा उस रीजन में रह रहा है, उस इलाके में रह रहा है और उसको फेस कर रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है. पढ़ना बहुत अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस करना इज वेरी डिफरेंट. सो आई एम हैप्पी दैट आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी आवाज उठाई, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप लोग आगे चलें. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ही जैसे जवान होंगे, हम जैसे लोग ही होंगे जो चीजों को आगे लेकर चलेंगे. देयर आर पॉजिटिव, देयर आर नेगेटिव, बट वी हैव टू सी द पॉजिटिव एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन.
तो ये मेरी वीडियो आप लोगों को नजर आ रही है? थैंक यू सो मच बासित फॉर शेयरिंग इट एंड फॉर ऑल योर कॉरपोरेशन. अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन. आई गेस हम लोगों ने प्रिटी आई हैव टेकन अ प्रिटी मच टाइम टू सेट द टोन. तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को इतना इम्पैक्ट क्यों करता है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी ज्योग्राफी. किसी भी नेशन की जो ज्योग्राफी होती है वो उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी उसकी वीकनेस है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने उसकी ज्योग्राफी को उसके ऑप्टिमम लेवल तक यूज नहीं किया. वी आर वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड नेशंस. हमारे पास माउंटेन्स, रिवर्स, एवरीथिंग इज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल कि हम उसको प्रॉपरली अपने रिसोर्सेस को टैप कर सकें. तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पाकिस्तान को हिट किया, और पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज नेशंस जिसने इंटरनेशनली कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया क्लाइमेट चेंज के लिहाज से. कोई इसके कार्बन जो एमिशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई हिट हो रहा है देन दैट इज वी. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन जो है वो एक ऐसा एस्पेक्ट जो है अब वो नजर आना शुरू हुआ है, जिसके अंदर अफ्रीका की नेशंस जो है वो बहुत ज्यादा माइग्रेट करती हैं. कहीं पे ड्राउट आ जाता है, कहीं बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं. लेकिन यही पैटर्न जो है वो हमारे एशियन कल्चर के अंदर भी नजर आना शुरू हो गया, जब फ्लड्स और अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज ने हमें हिट किया. अब उसके अंदर जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर पाकिस्तान की ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, एवरीथिंग. एक ग्लेशियर बर्स्ट होता है या फिर हमारे पास उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल जीबी के अंदर, मैं खुद जीबी से हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो वहां पर जो है वो फिनोमिना जो होता है फ्लड का, वो ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से हो रहा होता है कि एक लैंड आ रही होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों के घर, मवेशियां, सब कुछ तबाह हो जाती हैं. फिर उसके बाद जो है अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर जिसकी आबादी 2.20 करोड़ से ज्यादा है, तो सोचे अगर उस आबादी को हम लोग, एक क्लाइमेट चेंज है और ऊपर से आबादी है, तो उस आबादी के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं एज अ नेशन. फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है हमारी जो है वो रिलाय करती है, क्योंकि वी आर एन एग्रीकल्चरल नेशन. हमारी डिपेंडेंसी है हमारे रिवर्स के ऊपर, हमारे कैनाल्स के ऊपर, हमारी स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज के ऊपर. लेकिन क्योंकि फ्लड आ रहा है, फ्लड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट को है, एक किसान को है. हमें नहीं अंदाजा वो किस चीज से सफर कर रहे हैं. फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पानी अगर इंडिया बंद कर देता है, ठीक है, तो हमारे पर एक ह्यूमन इंड्यूस्ड जो है वो सफरेंस आ जाती है. अगर वहां पर पानी एक्सेसिव है तो अपने डैम्स खोल देते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है जिसके अंदर हम अपना पानी स्टोर कर सकें, तो वहां भी हमारे पास क्या होता है, फ्लड हो जाता है. सो ऑन बोथ साइड वी हैव द सेम स्टोरी. हमारे पास पानी एक्सेसिव हो तो हम जो है फ्लड, हम फ्लड का सामना कर रहे होते हैं. हमारे पास पानी कम है तो भी हम जो है फ्लड की वजह से कहीं ना कहीं डिजास्टर की वजह हो जाती है, हम लोग ड्राउट का सामना कर रहे होते हैं. तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान क्या कर रहा है. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, और ओवरऑल सारी थर्ड वर्ल्ड नेशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है. एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जो भी एमिशंस हैं, जो भी पोल्यूशन है, वो सब कुछ जो है वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कर रहा है, लेकिन वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस. फिर उसके बाद हमारे पास एक पैटर्न आ गया है इरेक्टिक रेनफॉल का, जिसके अंदर हमारे पास, हमें समझ नहीं आती कि बारिशें जो है वो कब हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल इस साल हम लोगों ने देखा कि अप्रैल के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड रेन आया, और मैं एक रिपोर्ट में पढ़ी थी कि दिस वॉज द वेटेस्ट अप्रैल आई गेस सिंस 40 ईयर्स, कि 40 सालों में ऐसा अप्रैल हम लोगों ने नहीं देखा जितना ये अप्रैल हम लोगों ने देखा. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फिनोमिना जिसके अंदर हमारे ग्लेशियर्स जो है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, हमारा जो टेम्परेचर है ग्लोबली वो राइज कर रहा है, और हमारे उससे हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है.
फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं साइक्लोन्स की वजह से, वो स्टॉर्म्स की वजह से, हैवी रेनफॉल्स की वजह से. एंड इस दफा जो 20 अप्रैल के अंदर जो रेनफॉल हुई उसमें हम लोगों ने देखा कि गवादर के अंदर हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए, और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है उसके ऊपर जो है बेसिकली थिंग्स वर वेरी डिप्रेसिंग. फिर हमारा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आई अर्लियर लाइक टोल्ड के एक एग्रीकल्चरल नेशन है, लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है. हमारे साथ लोगों ने अभी 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 जिसमें बासित वगैरह लोगों ने स्टोरी शेयर की कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड वाज अंडर वाटर, और वही लैंड जो है दैट इज द फूड गिवर टू द पीपल, तो वो सारी लैंड जो है वो पानी के अंदर चली जाती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स जो है वो पानी लेके बहा के ले जाते हैं. एंड इसी तरह थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, पीपल आर गोइंग, हर जगह जो है वो केओस हो जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान. अब हम लोग देखते हैं कि देखें क्लाइमेट चेंज हुआ, एक इलाका जो है, एक एरिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें फ्लड आया, तो उसके दो चीजें होती हैं, दो चीजें इंटरनेशनली देखने में आती हैं. एक ये कि हम लोग ऑन स्पॉट उनको रिलीफ देते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है. वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि उस एरिया को हम लोगों ने एक मैसिवली हिट एरिया कह दिया. उस एरिया को हम बेसिकली कहते हैं कि क्लैमिटी हिट जो एरिया हो जाता है, तो वहां पर आप कोई को कुछ भी नहीं दे सकते, बल्कि हम लोगों को उन लोगों को मूव करवाना पड़ता है. अब वो जो मूवमेंट होती है या वो परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है, और बहुत सारी केसेस के अंदर अगर ऐसा फ्लड वगैरह का सिलसिला है तो मूवमेंट जो होती है वो टेम्पररी होती है. अब फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी वो कहाँ जाएंगे, वो शेड्स में जा रहे हैं, वो रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं. और इस 2022 के फ्लड्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि 84 डिस्ट्रिक्ट्स जिनको रिपोर्ट करता है कि दैट वर कंसिडर्ड एज मैसिवली हिट एरियाज, एंड मैनी ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स वर फ्रॉम सिंध. अच्छा, अब हम लोगों ने बोला कि टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्लाइमेट की कौन कौन सी होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है स्लो ऑनसेट इवेंट्स और दूसरी होती है सडन ऑनसेट इवेंट्स. तो आप लोग हमें मुझे बताएंगे कि जो 2022 के फ्लड्स थे वो स्लो ऑनसेट इवेंट था या सडन ऑनसेट इवेंट था. तो स्लो ऑनसेट इवेंट हम देखते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस लाइक सी लेवल राइज, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन फोर्स पीपल टू माइग्रेट ओवर टाइम. ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, इसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप हिट हो रहे हो किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से. इसके अंदर आपका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा ग्रेजुअली चेंज होता है, एकदम चेंज नहीं होता. तो इसके अंदर जो बंदा होता है या फिर जो भी कम्युनिटी होती है वो मूव करती है तब जब आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है कि मेरा सी लेवल जो है, फॉर एग्जाम्पल कराची का जो साहिली पट्टी थी उसके अंदर पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में कराची से लेकर बलूचिस्तान पूरी पट्टी को देख लें, 1048 किलोमीटर की जितनी भी साहिली पट्टी हमारी है, कि वो पट्टी पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वहां पर कम्युनिटीज थी, लेकिन स्लोली 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 चीजें पीछे आती गई, सी लेवल राइज करता गया, कम्युनिटी पीछे आती गई. तो ये जो इवेंट होता है या फिर ये जो प्रोसेस होता है ये बड़ा स्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लो ऑनसेट इवेंट्स दैट लीड्स टू माइग्रेशन. अब मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया कि कराची के अंदर, गवादर के अंदर दिस प्रोसेस इज स्टिल अकरिंग एंड विल अकर टिल के हम कोई पॉजिटिव स्टेप या फिर कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप ना लें. फिर हमारे पास आता है सडन ऑनसेट इवेंट. सडन ऑनसेट इवेंट जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि क्या हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 के फ्लड्स थे, दैट वाज वन ऑफ द सडन ऑनसेट इवेंट्स जिसके ने इतना बड़ा डिजास्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया कि इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकग्नाइज कि ये बहुत बड़ी क्लैमिटी है. तो उसके अंदर हमारे ड्राउट्स हो सकते हैं, ड्राउट्स कैन बी अ स्लो ऑनसेट इवेंट एंड अ सडन ऑनसेट इवेंट जो माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट को लीड करती है. इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फ्लड्स, साइक्लोन्स, इरेक्टिक रेन पैटर्न्स. पिछले साल आई गेस एक ऐसा इरेक्टिक रेन पैटर्न जो है क्लाउड बर्स्ट का, वो हम लोगों ने इस्लामाबाद 11/4 में भी विटनेस किया था. दैट इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहां आपको नहीं पता होता, दैट होल सेक्टर वॉज ड्राउंड. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं के 2022 के फ्लड्स जिसके अंदर 7.9 मिलियन पीपल जो थे दे वर फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर वन हैज टू लुक एट.
फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2023 2024 आ गया है, 2 साल हो गए हैं, दे पीपल कांट मूव बैक टू देयर प्लेसेस, दे हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, देयर सोर्स ऑफ इनकम, देयर लैंड्स, एवरीथिंग. फिर हम लोगों ने देखा कि एनडीएमए कहता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, के 2.3 मिलियन जो पीपल हैं, दे हैव लॉस्ट देयर होम्स, 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड, एंड 800,000 लाइफ स्टॉक डिसअपियर्ड, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट स्लो सडन ऑनसेट इवेंट दैट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेसिकली आ जाता है कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो ड्राइव करते हैं कि पीपल मूव करें. तो फैक्टर्स कैन बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन हो रही है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, लोगों को अनाज नहीं उगा सकते हैं, देन दे हैव टू माइग्रेट, देन दे हैव टू मूव, लीव देयर प्लेसेस एंड गो टू अ प्लेस वेयर दे कैन फाइंड सोलेस. फिर लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, अगर एक बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल घर था, खेती बाड़ी थी, मवेशी थी जहां वो रह रहा था, फ्लड आया, उसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट पर्सन गोइंग बैक? उसको पता है कि आज अगर मेरे साथ ये हुआ है तो कल हो सकता है दोबारा हो जाए. एंड 2022 के फ्लड के अंदर हम लोगों ने एक और पैटर्न ये भी देखा कि जो मेजर सिटीज थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया. वो प्रेशर क्यों बढ़ा? बिकॉज पीपल हैड द माइंडसेट कि अब वहां कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने वी हैव टू गो टू अ प्लेस जहां पर हमें शायद कोई रोजगार मिल जाए. तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स जो है वो, जैसे थर डेजर्ट के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो हमें कंपेल करता है कि हम लोग अपनी घरों को छोड़ें एंड लीव परमानेंटली. फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, अब मेरा घर टूट गया है, फूट गया है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं वापस जाके अपना, मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो वापस जाते भी हैं बिकॉज दे हैव देयर लैंड्स, और उसी लैंड के ऊपर वो उनको खाना प्रोवाइड कर रहा होता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होता है ये इतना बड़ा होता है कि वो नहीं जाते. ठीक है, अब फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय होम्स, रोड्स एंड वाटर रिसोर्सेज. अब यही पैटर्न जो होता है वो जीबी के अंदर भी है. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लेशियर बस्ट हुआ, लोगों के घर घर उसके बीच में आ गए, तो अब उनको पता है कि ये एक पैसेज है, यहाँ से पानी ने गुजरना ही गुजरना है. तो फिर वो जो पैटर्न होता है, वो जो बस्ट होता है, वो कंपेल करता है कि लोग जो है वो जगह छोड़े और कोई और नई जगह देखें. इसके बाद हमारे पास केस स्टडीज, मैंने केस स्टडीज तो आपको एक्सप्लेन कर दी कि कितने ऐसी एग्जाम्पल्स है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट चेंज ने, फ्लड्स ने, लैंडस्लाइडिंग ने, डिफॉरेस्टेशन ने, डेजर्टिफिकेशन ने लोगों को कंपेल किया कि वो माइग्रेट करें. सो दिस इज द एग्जाम्पल जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कराची के अंदर भी यही पैटर्न है. लोग जो लैंड है, तो सी लेवल राइज हो रहा है, तो पीछे की तरफ आना शुरू हो गए. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2022 के फ्लड्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एंड वर इन द कैंप्स. कहीं पर फूड प्रोवाइड हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, कहीं पर लोगों को मेडिसिन मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, और दे आर ऑन कॉन्स्टेंट मूव. तो हम लोगों को, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स तो थाउजेंड्स ऑफ इम्पैक्ट्स हैं. वन कैन अंडरस्टैंड कि एक बंदा मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितने ही मतलब कि क्या 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 इम्पैक्ट हो सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट इस तरह से कि एक बंदा जो है वो मूव कर रहा है तो देर मस्ट बी गोइंग ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ थिंग्स इन हिज माइंड. उसके अलावा उसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, उसकी स्ट्रेन रिसोर्सेज इन द होस्ट कम्युनिटी, जहां वो जाके रहेगा उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, वहां जाकर वो कितना कंफर्टेबल होगा. एक बंदा, आप मुझे बताएं कि रिलीफ कैंप में कितना ही कंफर्टेबल हो सकता है. एक प्रेशर साइकोलॉजिकल हमेशा उसके माइंड पे रहेगा, ही विल नॉट फील सेफ देयर. सो दिस इज वन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट्स दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड. सो हम लोगों ने बात की सोशल इम्पैक्ट की कि कैसे सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, और इसके अलावा हम लोग, हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब अभी आप लोगों ने रिसेंटली इमेजेस देखी होंगी जिसके अंदर गाजा के अंदर जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो लोग कैसे उनके पीछे जा रहे होते हैं. एक केओस जब होता है, एक डिजास्टर जब होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने आप को बचाएं और आपके पास खाने पीने के लिए कुछ हो. तो जो ये
सेंस होती है ना, दैट लीड्स टू अ कंपटीशन. और वो कंपटीशन किस लिए होता है? वो एक रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है. तो जैसे हम लोग एड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो वहां पर अक्सर ऐसे इवेंट्स अक्कर होना शुरू हो जाते हैं जहां लोग जो होते हैं ना, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कि हमें पहले मिले बिकॉज हम लोग डिजर्व ज्यादा करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दो सोशल एस्पेक्ट्स जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं देखते. इसके अलावा एक सोशल इम्पैक्ट ही होता है कि एक बंदा जो डिस्प्लेस हो रहा है, उसका पूरा सोशल नेटवर्क, उसका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, उसका कल्चरल आइडेंटिटी और सोसाइटी के साथ जो उसका एक कनेक्शन होता है, वो पूरा डिस्टरप्ट हो जाता है एक मूवमेंट की वजह से. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक लॉस होता है. इकोनॉमिक लॉस इस तरह हो सकता है कि पॉवर्टी जो होती है वो बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो डिफरेंट और सिटीज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं. जब वो डिफरेंट सिटीज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो उस सिटी के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक नेशन के ऊपर एज अ होल जो होता है वो एक इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान जो है वो नहीं कोप कर पा रहा था 2022 के फ्लड्स के ऊपर एज अ नेशन ओनली. हम लोगों को डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके अंदर IMF हो गया, उसके बेल आउट पैकेजेस, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखना पड़ा हमें, एशियन बैंक की तरफ देखना पड़ा, इसी तरह हमें UN की तरफ देखना पड़ा. तो जो इकोनॉमिक लॉस होता है, एक इकोनॉमिक लॉस ये होता है कि वो जो पहले से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी वो खत्म हो गई. दूसरा ये कि आपने उनको रीबिल्ड करके देना है, तो सोचें कि वो कितना बड़ा लॉस हो सकता है. बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या फिर बिल्कुल उसका लॉस हो जाता है हम लोगों को एज अ नेशन. उसके बाद जो होती है कि एक एक और एस्पेक्ट ये होता है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो होता है वो पानी के अंदर चला जाता है. अब ना आप वहां क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हो, ना वो जो पानी है आप वो निकाल सकते हो. तो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो एक छोटे टाइम के लिए नहीं होता, वो आने वाले 5 सालों के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए हो सकता है. फिर एक और इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस. हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो होते हैं हम लोगों को, जब लोग कैंप्स के अंदर होते हैं तो क्या उन लोगों को वॉश का कॉन्सेप्ट आता है? नहीं आता. उन लोगों के पास प्रॉपर टॉयलेट्स होते हैं? अवेलेबल नहीं होते. सैनिटेशन की कंडीशन कैसी होती है वी ऑल नो. पानी के ऊपर कई बार तो ऐसा होता है कि वहां पर कोई वबा फूट जाती है, हम लोग वो देख सकते हैं? नहीं दे सकते. उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एज अ वुमेन, जब एक वुमेन उस प्रोसेस के अंदर होती है तो उसको कितने बड़े सैनिटेशन और सैनिटरी इश्यूज आ सकते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड द फैक्ट. हम लोगों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता. तो एक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एज ए जनरली हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. और फिर जो फीमेल ओरिएंटेड इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स नहीं अवेलेबल होती है, जिसके अंदर उसको नहीं पता होता कि वो पूरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ कहाँ जाए, तो दिस इज वन ऑफ दोज इश्यूज जिनको हम लोगों को देखना होगा. हम लोगों को उसके बारे में बात करनी होगी, इसके ऊपर लिखना होगा. नॉट ओनली आपका एक ब्लॉग, एक छोटी सी पोस्ट, एक छोटा सा ट्वीट, हजारों लोग पढ़ते हैं, हजारों लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी. सो रेजिंग वॉइस एट अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को बता बता दिया कि हेल्थ, आप लोग वहां पर बेसिकली क्या ही, हम फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एड दे रहे होते हैं, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है आपके इनिशियल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन एक बंदा पिछले 6 माह से अगर कैंप में रह रहा है तो उसके हेल्थ इश्यूज का किसी ने सोचा होगा? पानी वो किस तरह का पी रहा है किसी ने सोचा होगा? खाना वो किस तरह का खा रहा है किसी ने सोचा होगा? सोच लिया है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन उसके ऊपर काम किया है? नो. सो हम लोगों को ये इश्यूज जो है ना, इनको बड़े प्रॉपरली देखने होंगे. ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिसको हम लोग कभी कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं. एक छोटा सा फिनोमेना नजर आ रहा है हमें फ्लड, लेकिन उसके अंदर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे होते. तो हम लोगों ने एक बड़े होलिस्टिक पिक्चर को देखना होगा. इसके अंदर हमारी पॉलिसी और गवर्नेंस जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो पेपर्स के ऊपर है.
कौन से ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ कहाँ बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। इट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ गवर्नमेंट कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 7 मिलियन पॉपुलेशन को रिलीफ प्रोवाइड करे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है कि जहां पर ऐसा कोई क्लैमिटी आता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन साथ कोऑपरेट करे कि जो फौरन से रिस्पॉन्ड कर दे उसे उसको। तो आपको गवर्नमेंट के रिसोर्सेस को बर्न करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप उन एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स, अभी हम लोगों ने देखा कि नेशनल एनडीएम में जो है वो काफी एक्टिव है, तो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन की शायद जरूरत थी हम लोगों को। क्योंकि अब हमें पता है कि हम लोगों को ये डिजास्टर्स, ये फ्लड्स, ये छोटी ये एक्टिविटीज जो हैं ये इम्पैक्ट करती रहेंगी, तो हम लोगों को रिएक्टिव नहीं होना, हम लोगों ने प्रोएक्टिव होना है। माइग्रेशन की पॉलिसीज जिसके अंदर हम लोगों को ये पता हो कि एक ऐसी सिचुएशन जिस आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों को मूव कैसे करवाना है, विमेन को कहाँ रखना है, बच्चों को कहाँ रखना है, एक सोशो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है उसको कौन एड्रेस करेगा। देर इज नो वन टू थिंक ऑफ दीज इश्यूज एंड वी द यूथ हैव टू लाइक लुक इन टू दोज एरियाज जो शायद दूसरे नहीं देख रहे। तो हम लोगों को इनके ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, अब वो डिस्प्लेसमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, तो हम लोगों ने देखना है कि अगर लोग मूव कर रहे हैं तो लोगों को मूव कैसे करवाना है, लोगों को एक कंफर्टेबल सेफ एनवायरमेंट कैसे देना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अडेप्शन और रेजिलियंस बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसी कम्युनिटीज जो हमें पता है कि वल्नरेबल है, हम लोगों को उनको बताना है कि आप वल्नरेबल हैं, ऐसी सिचुएशन आने वाली है एंड यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। हम लोगों को उन्हें अंदाजा नहीं होगा क्योंकि वो चीजें शायद नहीं देख सकते, लेकिन एक गवर्नमेंट को एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जिससे वो पहले ही एक अलर्ट जारी कर दें जहां लोगों को पता हो कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन दिस सिचुएशन इन द एरिया एंड नाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट इन अ सर्टेन मैनर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिटी बेस्ड अडेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेशन सॉरी, जहां पर हमें ये पता हो कि एक कम्युनिटी को हम लोगों ने कैसे जो है वो एक रेजिलियंट कम्युनिटी बनाना है, जिसके अंदर हम लोगों को उनको अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है। छोटे मोटे ऐसे सेशंस जैसा ये एक सेशन है, इस तरह के छोटे मोटे सेशंस जो है फॉर चिल्ड्रन, फॉर वेमेन, फॉर मैन, हम ये कंडक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये इश्यूज हैं, ये हो सकता है, हम आप यूथ जो है फॉर एग्जाम्पल वहां जा सकती है, उनसे बात कर सकती है। तो दिस इज द कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन जो कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन, उसके ऊपर तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ जो है वो काम कर रही होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है जिसके अंदर यूएन है, यूएन यूएनएचसीआर है, वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी एज वेल। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट दोज आर वर्किंग ऑन दोज एरियाज। बट वी एज ए नेशन हैव टू लुक इन टू आवर सेल्फ, लुक इन टू आवर थिंग्स कि हम लोगों ने उनको कैसे सीधा करना है, हम लोगों ने उनको लोगों के साथ कैसे कॉपरेट करना है, उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो फिर ही हम जो है एक इस डिजास्टर से जो है हम निकल सकते हैं या फिर उनको इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ पर्सन फॉर अ डिजास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे शायद उसका जो एक लेवल ऑफ ट्रॉमा है शायद हम थोड़ा पहले कम कर दें। ऑब्वियसली पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के लिए ये छोटे मोटे सेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंक्लूजन की बात करें तो क्लाइमेट, आई हैव अर्लियर सेड कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रेसिंग इशू है। ये सिर्फ 2022 तक नहीं रहेगा, ये 2023 में आएगा, 4, 5, 6, 7 और ये आता रहेगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ्लड्स हैं, हम लोगों को अपनी स्टोरेज मैकेनिज्म डैम्स के ऊपर काम करना होगा, हम लोगों को अपने इरिगेशन सिस्टम के ऊपर काम करना होगा एंड ऐसे ही हजारों चीजों के ऊपर काम करना होगा जिसके ऊपर अभी हम लोग शायद नहीं सोच रहे या सोच रहे हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसके अलावा हम लोगों को नेशनल, लोकल लोकल कम्युनिटी को आगाही देना, नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी बनाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीख करना, ये जो सारे चीजें हैं इनके ऊपर काम करना होगा। ड्राइवर्स के ऊपर, उसके इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के ऊपर हम लोगों को इन चीजों के बारे में सोचना होगा। और कोलैबोरेशन विद ऑल एक्टर्स,
और इसके अंदर कोलैबोरेशन एंड कॉरपोरेशन ऑफ यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप के आई हैव मेड थिंग्स वेरी क्लियर. नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चन इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन. एंड आई होप कि मैंने जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट चेंज की, फ्लड्स की, ह्यूमन ट्रॉमा की, वो आप तक पहुंचा दी है. सो या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हमारा रीजन है ना साउथ एशिया या स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से. और पिछले जो COP कॉन्फ्रेंस हुई है 28 या अभी 29 जो होने जा रही है, इसका जो मेन थीम है वो भी क्लाइमेट के ऊपर है और ज़्यादातर कंसर्न उनका भी पाकिस्तान और इन रीजन्स के ऊपर है. तो और अक्सर अक्सर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है वो ये भी कह रही है कि 2050 तक पाकिस्तान के ग्लेशियर के जितने ग्लेशियर्स है ना वो मेल्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान को पानी की भी वो शॉर्टेज हो सकती है. तो मैम गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसे कौन से स्टेप्स जो हमें पास्ट में लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए और आज हम उनके रिजल्ट जो है ना हमें बैडली इफेक्ट कर रहे हैं हमें, और ऐसे कौन से स्टेप्स है जो हमें अब लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में हम इसे महफूज रह सके. जाहिर है इसको तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसके इफेक्ट्स को हम कम से कम कर सकते हैं. फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं? थैंक यू सो मच जबीउल्ला, आपने बहुत अच्छे से बताया. इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ये कि मैंने आप लोगों को पहले इस प्रेजेंटेशन में बता दिया था कि जो कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ हो रहा है उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट कुछ नहीं किया. हमारा शायद 0% कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल तो बहुत सारे, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज्यादा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर इंडिया भी है, जिसके अंदर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जिसके अंदर एक पाकिस्तान है, जिसके अंदर अफ्रीकन नेशंस हैं, बांग्लादेश टू. अब आपने जहां तक बात की कि हम लोगों को पास्ट के अंदर क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि पाकिस्तान जो था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो था ICJ गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि इंडिया जो है वो हमारा पानी जो है वो कभी बंद कर देता है, कभी खोल देता है, कभी बंद कर देता है, कभी खोल देता है. तो पाकिस्तान ने बेसिकली ये कहा था कि, और इंडस वाटर ट्रीटी है वो क्लियरली हाईलाइट करती है कि ये जो ये तीन ट्रिब्यूटरीज हैं इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, इन तीन ट्रिब्यूटरीज का पाकिस्तान पानी जो है वो बेसिकली हम लोगों ने यूज करना है या इंडिया ने यूज करना है. तो उन लोगों ने ये बात की थी, जिसके ऊपर इंडिया ने बेसिकली क्या बोला था कि इंडिया ने हमसे क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन ये किया था कि डू वी हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द वाटर जो आप कह रहे हो कि हम रोक रहे हैं, और अगर हम छोड़ते हैं तो डू यू हैव द कैपेसिटी टू स्टोर दैट वाटर. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो छोड़ भी रहे हैं और अगर वो नहीं भी छोड़े, हमारे पास दोनों सिचुएशंस के अंदर ICJ के जब वो बात की थी कि इनको अरेबियन सी, रादर देन डंपिंग दैट वाटर इनटू अरेबियन सी, इट्स बेटर कि हम वो जो तीन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जो पानी है वो हम ही सेव कर लें. एंड इट्स ट्रू, हम एज अ नेशन हैव नॉट बीन एबल टू इवन डिफेंड और स्टांस ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने ऐसा मैकेनिज्म बनाना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरियाज आइडेंटिफाइड हैं कि यहाँ पे डैम्स बनने चाहिए और उनके ऊपर काम हो रहा है, एंड दैट इज वेरी क्रूशल. हमारे पास आखिरी डैम जो नया बना हो, जो नया बना डैम हो फॉर एग्जाम्पल, वो कब बना था, कब है? हमारे पास ऐसा कोई डैम नहीं है जो पिछले 10 सालों में, 12 सालों में बना हो. जितने भी डैम्स के ऊपर काम हुआ है दैट वाज आई गेस इन अयूब्स एरा या उससे पहले वाले एरा के ऊपर. सो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं. इसके अलावा दिस इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट कि हम लोगों के पास कैपेसिटी है लेकिन काम कौन करेगा, नोबडी नोज. दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पास्ट के अंदर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज एक मजाक लगता था कि ये तो एक ऐसा पैटर्न है जो आता जाता रहता है, ये कोई नई बात तो नहीं है. लेकिन अब रियलाइजेशन इज हिटिंग वेरी स्ट्रांगली कि नो, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कम्युनिटीज जो हैं वो, जिनका हमें अंदाजा है कि वो इस पर्टिकुलर इवेंट से हिट हो सकते हैं, उनके साथ उनकी सस्टेनेबल और उनकी उनके साथ काम करें,
उनको लेकर चल के काम करें, वो हिट हो जाएंगे और हम जाएंगे, ये काम नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ लेकर कैसे चलेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें अपने पैटर्न्स के ऊपर, हमारे अपने वर्किंग पैटर्न्स के ऊपर भी काम करना होगा। हमें इंटरनेशनली, जैसे बिलावल साहब ने बात की भी थी कि कॉप, पिछले कॉप के अंदर, कि देखो हम लोग इतना गन नहीं करे, आपको हमें पे करना होगा फॉर द थिंग्स यू हैव बीन डूइंग। तो एक आईआर के अंदर एक टर्म यूज होती है, पोल्यूटर पेज द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो कर रहा है उससे मुआवजा लिया जाए, उससे फाइन लिया जाए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हमें शायद अब काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये, लोगों को ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट्स को ये रियलाइज हो कि दे हैव टू टेक स्टेप्स कॉशियसली, एंड ऑन मैनी एंड्स वो अपने काम कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रीन थिंग्स, जो ग्रीन स्लोगन आजकल है। तो हम लोगों को भी अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करना होगा, हमें एक सस्टेनेबल मींस के ऊपर काम करना होगा, एंड कम्युनिटीज को जो है वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ काम करना होगा, उनको एक्सक्लूसिविटी के ऊपर नहीं, हमने इंक्लूसिविटी के ऊपर काम करना है। सो आई गेस आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चंस। तो एनीवन एल्स? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जबीउल्लाह। मैम वी हैव क्वेश्चन इन चैट। ओके, लेट मी सी, हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस एट इंडिविजुअल लेवल? अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिविजुअल लेवल जो होता है ना, कतरा कतरा बन के जो है वो दरिया बनता है। तो जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम स्टेप्स ले सकते हैं ना, वो ये कि हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल, आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है, आपके घर पे नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या है, आपको पता है कि एक फ्लड आएगा तो उसके ऊपर कैसे काम होगा, आपने सेशंस अटेंड किए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, लोगों से मिले, बात की। तो ऐसे ही आप लोगों ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हमारे साथ जो कम्युनिटीज हैं, आप उस सोसाइटी से अगर हैं, उनके साथ उनको अंडरस्टैंड करना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उनको साथ लेकर चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप अगर एक राइटर हो आप लिख सकते हो, एक वीडियोग्राफर हो तो आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हो, आप कैमरा गीक हो तो आप अच्छी एक फोटो क्लिक करके लोगों तक ये मैसेज बेसिकली पहुंचा सकते हो कि दिस इज the things we have been doing and the people, this community is paying the price of all our acts. So individual level ke upar we have a humongous capacity, hum logo ko kaam karna hoga. For example, ek ye jo Sindh educational organization hai, ye ek individual ka khwab hoga, and is this this entire institute organization is now a connection of thousands and thousands of people. Isi tarah hum logo ne chote chote steps lene hain, baby steps, and inshallah we'll like succeed. Okay ma'am, I think tumhare paas aur question nahi, aur thank you so much. Ye masle chal to rahe the lekin hame inka itna andaaza nahi tha ki wo master level par hame kitna hit kar rahe hain, aur hum education pe to awareness kar rahe the lekin abhi thodi thinking change ho rahi hai ki is cheez ko bhi zyada focus karna chahiye, and really informative. Personally mujhe bahut acha session laga aapka, और होपफुली हम मे भी आपके साथ और कोलैबोरेशन करके इसकी एक कोई सीरीज भी शुरू करें। थैंक यू सो मच बासित, आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माय हार्ट, एंड आई आल्सो लव दिस सेशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई होप के एवरीबॉडी लाइक इट, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चन they can directly message me, they can contact you, and I'm always available. Thank you so much. Take care. Okay ma'am, thank you, and Allah Hafiz from SGU. Allah Hafiz, take care.